बट चूंकि समय की पाबंदी है, ये दो स्टॉक दे रहा हूँ। पहला हमारा स्टॉक, जैसे दूसरे सब कोई एक्सचेंज की बात कर रहे थे, तो BSE लिमिटेड का रहेगा। अगर आप देखें तो 6,000 की मार्केट कैप है, जिसमें 3,000 करोड़ के आसपास की होल्डिंग तो सिर्फ CDSL की है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो डेट फ्री कंपनी है, इनकी होल्डिंग जो IEX में, इंटरनेशनल एक्सचेंज में कह लीजिए, IEX सॉरी इंटरनेशनल एक्सचेंज में, या इनके जो डिजिटल स्टार म्यूचुअल फंड का ऐप है, उन सब की वैल्यूएशन देखी जाए तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और आए दिन NSE की अप्रूवल, NSE के इशू की अप्रूवल की सुगबुगाहट होती रहती है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो मैं समझता हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा स्टॉक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, बट कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, एक RK फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग की, वो देना चाहूँगा। अगर इसको देखेंगे तो ये रेलवे को, फार्म इक्विपमेंट, बेयरिंग, ऑयल एंड गैस, ऐसे सेक्टर्स को सर्व करती है, जिसमें इसके बड़े बड़े नाम्स इनके क्लाइंट लिस्ट में हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, वोल्वो और दूसरी कंपनियां। प्रीफर्ड सप्लायर्स हैं OEM के। हाल ही में इन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स करीब करीब 130 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल क्लाइंट से लिए हैं, और EV में ये उतर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने US की कंपनी से करार किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 1500 के टारगेट आने वाले 6 महीने में दे सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करूँ, जैसे सोमवार या अगले हफ्ते के लिए, तो 1300 के टारगेट इसमें मान के चलने चाहिए।